Now, next day, example 3. In the following table, height of village of some special region from sea level is given. Find the mean, ठीक है, तो assume mean से कर रहे हैं, लेकिन इस example में आप क्या देखेंगे कि दोनों तरीके से किया गया है, और इसमें हमें ये भी comparison करने को मिलेगा कि दोनों से जो answers आए हैं वो भी equal आए, ठीक है, ये हमारी. अच्छा, एक चीज़ देखो, इसमें deviation method तो लगाने में कोई problem नहीं है हमें, लेकिन step deviation लगेगा नहीं लगेगा ये इस पर depend करता है class size के ऊपर. तो देखो, 200 और 600 में 400 का डिफरेंस, 600 और 1000 में 400. हियर वी शैल फाइंड द मीन बाई टेकिंग. अब देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 6 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, x की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब हम 3 और 4 को कंसिडर करेंगे. इसमें जो f की वैल्यू है उसमें जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो किसकी है, 1000 की. सो हम अज्यूम मीन a कंसिडर करेंगे दोनों में, बॉथ डिवीशन में और स्टेप डिवीशन में, और हाइट के और ये h जो है ये कितनी है, इसका जो क्लास डिफरेंस है 400, ठीक है, क्लास साइज. अब देखो, कम टू दी टेबल, कैलकुलेशन टेबल फॉर अर्थमेटिक मीन, ठीक है, हाइट इन मीटर्स एक्स आई होगी, ठीक है, अगर ये ग्रुप्स में दे रखा होता तो पहले एक्स आई निकालते उसके बाद फिर आगे प्रोसेस करते, ठीक है, यहाँ लेकिन ग्रुप में नहीं डायरेक्ट दे रखा है तो एक्स आई हमने डायरेक्ट लिख दिया. उसके बाद देखो, नंबर ऑफ विलेजेस एफ, ये दे रखा नीचे वाले टेबल में 142, 265 होना, ये होगा आपकी फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कितना रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है. उसके बाद देखो, नेक्स्ट स्टेप में पहले डिविएशन निकाल लेते हैं हम, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, डिविएशन. तो डी हमने, अब यहाँ पर ए, डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, तो ए हमने कंसिडर कर रखा 1000 बिकॉज ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ 560, जिसकी वजह से क्या है हमने इसको कंसिडर कर लिया. नाउ डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी ए की वैल्यू, वेयर वैल्यू ऑफ ए इज 1000, सो 200 में से 1000 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस 800, 600 में से 1000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 400, 1000 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इस तरह से 1400 में से जब 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 400, 1800 में से 1000 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 800, और 2200 में से 1200 जब माइनस करेंगे, ओ सॉरी 1000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1200, ठीक है. तो हमारे पास एफ भी है और डी भी है, तो एफ इंटू डी निकाल लिया, तो इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आप कर सकते हैं इजीली. 142 को माइनस 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,13,600, ठीक है. 265 को माइनस 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,600, ठीक है. 560 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0. 271 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,8400, ठीक है. 89 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 71,200, और 16 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,200, ठीक है. तो इस तरह से अब देखो, ऊपर की जो माइनस की जो टर्म है उनको अलग ऐड कर लेंगे, और नीचे की जो प्लस की उनको अलग ऐड कर लेंगे, तो ऊपर वाली माइनस ज़्यादा होंगी शायद, जब भी इसमें माइनस का साइन आ रहा है तो ऐड करो देखो एक बार, तो ये 600,006 थे जाएगा 2,19,600 ऊपर वाला, ठीक है. तो इसी तरह से नीचे वाले को ऐड कर लेंगे, और उसमें से जो माइनस करके सिग्मा ई एफ डी आ जाएगा -20,800, और सिग्मा एफ करेंगे तो 13 ये हो जाएगा 1,343, ठीक है, 1,343. नाउ डिवीशन मेथड से करा हमने, तो हम डिवीशन मेथड को कंसीडर करेंगे. इसकी वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए, यानी अज्यूमी प्लस सिग्मा ई एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो 1000 प्लस, और ये सिग्मा ई एफ डी की वैल्यू यहाँ से माइनस 20,800 जब पुट करेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 15.488 अप्रॉक्स, तो माइनस करेंगे 984.512. अब हम स्टेप डिवीशन की बात करते हैं, तो वही सिंपल जो हम पहले क्वेश्चंस में करते हैं, यू निकालना होता है एक्स आई, और ए तो 1000 है, और किससे डिवाइड करेंगे, एच से, यानी मीन डिवीशंस सॉरी क्लास साइज से. तो एक तरह से ये जो डिवीशन निकाला था ना आपने माइनस 800, इसको 400 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऊपर वाला तो सेम है, डी अपन 400 ही तो रहा है, तो आ जाएगा -200, -1, ठीक है, ये आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर 2 और फिर 3. फिर एफ यू मल्टीप्लाई कर लेंगे एफ से,
तो सेम वही सिग्मा ई एफ यू आ रहा है -52। तो मीन स्टेप डिविएशन मेथड निकालेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ई एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर 984.512 सेम है, दोनों में सेम है। इसमें क्या है, एक चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें जो कंपैरिजन करते हुए जो कोई कंफ्यूजन होगा ना, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई स्टेप डिवीजन में क्या करते हैं और डिवीजन में करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, इजी तो है ये, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम इसमें जो कंपैरिजन करके जो जो कंफ्यूजन है ना, कि भाई लगभग सेम से नेम है स्टेप डिवीजन और डिवीजन, तो बस इतना देखना है कि इसमें क्या होता है। ये इस क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इन्होंने हमें सिर्फ एक से ही करना है इस एग्ज़ाम्पल में करके दिखाया, लेकिन हमें एक से ही करना है, ये नहीं कि हम एग्ज़ाम में दोनों से करने बैठ जाएं। एक टाइम में एक से ही करना है, वन मेथड ही यूज़ करना है। अगर उसमें कंसिडर कर रखा है नहीं ये मेथड यूज़ करना है तो वही करना है, और अगर कोई नहीं दे रखा तो एज़ यू विश, एज़ यू लाइक, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। लेकिन मेरा ये है कि डिविजन मेथड विल बी ईजी, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, हम जो क्लास साइज से डिवाइड करते हैं ना तो हमारी एक्सरसाइज बढ़ जाती है, ठीक है, प्लस और माइनस करने में इतना दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसमें शायद दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से, और बहुत अच्छे से करेंगे इस एक्सरसाइज को। जैसे फॉर मैंने चैप्टर 4 के नहीं कहा था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है और 6 मार्क्स का आता है, इसी तरह से मैं इसके नहीं कहूँगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 30 क्वेश्चन तो आएगा आपके इस एक्सरसाइज से, 17 एक्सरसाइज से, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और जो 29 क्वेश्चन होगा वो आपके ज्योमेट्री पोर्शन का होगा, ठीक है। उसके बाद जो 28 है या 27 क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मेरे को भी, तो 6 मार्क्स का वो आपके ग्राफ का होगा, 28 ही है जहाँ तक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको बहुत अच्छे से करिएगा ना, 17.4 करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 17.5 डिस्कस करेंगे, मीन मॉड, ठीक है, मीन मॉड और मीडियन रो डेटा का और डिस्क्रेट का। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इसका ग्रुप डेटा का, तो दोनों वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है।